अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो हम लोग जा रहे हैं बंगला बाज़ार, जो कि औरंगे में वाक़ है। तो वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, मुझे अज़र ने बताया। तो हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ कितनी अच्छी है और कैसी है और कितनी क्वांटिटी में आ रही है, वो आप सब देखेगा। और क्योंकि अभी हम लोग को जाना है लेने सबको, पहले हम लड़कों को जमा करते हैं फिर हम लोग कहीं जाते हैं। तो चले चलते हैं। ऐसी एक फूड स्ट्रीट हमने खोज करी है, खोजी है। तो अभी हम टुकते टुकते बच गए, ये हमें गिराएंगे लग रहा है। चाचा भी गिराते और आप भी गिराते हैं हमें साथ साथ। पीछे अजर आ रहे हैं लेफ्ट। अभी हम उमर को पिक करने जा रहे हैं, जो कि बहुत लेट है, थोड़ा सा हमें गुस्सा भी आ गया था उनको उन पर, तो अभी तपे पे होंगे वो भी। हमारा मोबाइल हिल रहा है, दुआ करें सलामत रहे। तो जैसा कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उमर को लेने, उमर अभी भी नीचे नहीं आए, देखिएगा आप, वो अभी भी ऊपर से झांकेंगे। और देखते रहेगा आप, फौरन बजाएगा ज़रा अगर। बस 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 बस, हौसला पूरा खानदान बाहर आ जाएगा उसका, देखिएगा अभी भी ऊपर से ही झाकेगा। नहीं झाका नहीं, भागता हुआ है ये, देखें देखा, भागता हुआ है क्योंकि इसको पता है गुस्सा आ रहा है मुझे। सलाम अलैकुम। हमने उमर को पिक कर लिया है, आज लड़के बहुत हैं, तो मज़ा भी ज़्यादा आएगा, सही है ना। अभी हम जा रहे हैं उसामा और वलीद को लेने, लेने नहीं कह सकते, समझ लेंगे पिक करेंगे रास्ते से, वो अगर रास्ते में आ जाए, सही बात है ना। तो ये यहाँ पे उसामा कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? आप देखभाल के मजाक कर रहे हैं? वो दोनों कहाँ चले गए? आप किससे बात कर रहे हैं? आप किससे बात कर रहे हैं? आप देख के मजाक किया कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? बुरा लग सकता है मुझे। क्यों भाई? मैं कहूँ पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ग्रुप के सारे लड़के सब मौजूद हैं यहाँ पे, पहुँच गए। नजर हेलमेट में नजर नहीं आ गया, हम नजर आ रहे हैं। ऐसा है कि मेरा नजर है। कहाँ जाना है हम लोग? मुबलेल। आज हम लोग जा रहे हैं औरंगी कापा करने, और यहाँ से जाके बनारस वाले पुल पे चलो जाते हैं, क्योंकि अभी आज रास्ता पूरा ब्लॉक हो रॉकेट रोल औरंगी के शिशके बोल के सबसे कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा खाना नहीं बता रहे। कटी पहाड़ी तो हमें नज़र नहीं आई इतनी साफ सुथरी है, ना मैं आपको दिखा सका, बाद में कभी कोई शॉट लिया तो दिखा देंगे। इन्होंने बोला कि किस रूट से चलते हैं कटी पहाड़ी के, क्योंकि तो थोड़ा साफ है और रश ट्रैफिक इतना नहीं होता यहाँ पर। बाइक पे बाल तो बचते नहीं
जितने भी बना लो। रास्ता कितना प्यारा है, रिव्यू बहुत बुरे हैं आगे। रास्ता कितना प्यारा है ना, बहुत जहर रास्ता है। क्यों? जैसे कि हम लोग 15 नंबर बंगला बाजार में मौजूद है औरंगी, पहले हम रुके हैं यहाँ पे, बैठने जा रहे हैं ऊपर। आ जाओ, एक लोग ऊपर जा रहे हैं बैठने, ये लोग पहले से मौजूद हैं यहाँ पे। जैसे कि हम लोग अभी, हमें वीआईपी सर्विस दी जा रही है, अलग से बिठा दिया हमें जगह पे। ये लोग अभी तक मेनू पे लड़ रहे हैं कि ये मंगवा लो, वो मंगवा लो, ये मंगवा लो। अब तक यहाँ पे कितना फर्क है आप ये नोट करें कि कचौरी यहाँ पे सिर्फ 5 रुपए की और हमारे इलाके में इस वक्त 15 रुपए की हो चुकी है कचौरी। और अभी टेस्ट करके आपको बताता हूँ मैं कि कितनी टेस्टी है। हमारा बिल कितना हो गया भाई? 1020। ये 700 लगा रहे थे, अब सारे पैसे यही देंगे हम जा रहे हैं। कर लिया, खाना वाना हो गया हमारा, अब आगे आने की जाएगा सामान, देखते हैं। बाइक पे नहीं जाना, पैदल जाना है। होटल अच्छा है, कचौरी भी अच्छी है और सस्ती भी है। 5 रुपए की कचौरी है भाई अपने इलाके में, नॉर्थ में 15 रुपए की कचौरी हो गई है। तो हम यहाँ जा रहे हैं इनकी गलियों में, ये फूड स्ट्रीट है पूरी। ये लोग पीछे अटक गए, ये किसी मीठे की शॉप पर अटक गए। क्या है ये? आम का जेली टाइप, आम का वो होता है, रस होता है। अबे नहीं, ये तो मुझे बचपन से ही नहीं पसंद। क्यों? बस बहुत ज्यादा चीज होती है ये। कितने का ये? ये कितने का? की गलियों में इस वक्त मौजूद है, ये लोग बहुत सुस्त आ रहे हैं। इसकी लू क्यों? तो ब्यूटीफुल होगा, यहाँ से पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ की गलियों में कुछ पता है? यहाँ की गली में चश्मे पता है मुझे, आदि के चश्मे के साथ। वो तो आप लड़के हो, इसको क्यों लेके आए भाई? बंदा लड़का, बंदा। असल में ये छुप के आए, ये बोल के आए मैं जिम जा रहा हूँ, जिम में हूँ। वो दो असली बिहारी तो पीछे रह गए जो हमें दिखाने लाए थे। ये दोनों अकेले खापा करते जा रहे हैं। रासिब भी इनमें शरीक हो गए। अकेले अकेले खा रहे हो ना? हाँ, अकेले अकेले। और हाँ, मुझे याद आया, कल हमने एक जगह फ्राइज खाए थे। हाँ, वो पाउडर कौन से डाले थे अंदर बताया? काशी का था, चिकन पाउडर, जो आपको हमने ब्लॉग में दिखाया था वही डालते सर। इसके बीच में दिखा रहा है, बताना जरूरी है ना, बताना जरूरी है इन्फॉर्मेशन। हमारी वीडियो ना बहुत तरीके की होती है, इन्फॉर्मेटिव भी होती थी। आप नेशनल ज्योग्राफी नहीं देखें, हाथी की ब्लॉग देखें। यार इंजीनियर, यार बगिंग। ये दो बिहारी हमारे साथ आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं हमें, अभी हमें कुछ पता नहीं है। हम क्या दिखा था? इंडिया के हम लोग
हम लोग स्ट्रीट तो भरी भरी है। इंडियन कौन सी गली है? दिल्ली। दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। इंडिया पहुंच गए हम लोग। अभी अभी पिटवाओगे सब। लाहौर में भी है दिल्ली की गली। अच्छा सर, आखिरकार आप कहाँ लेके आए हमें? ये झटपट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये झटपट बनता है। ये सारा सामान है ना। अच्छा, ये सारा सामान है। ये फटाफट बनते हैं इसलिए झटपट कहते हैं। अंकल दो बना दो। हम लोग पहली दफा ट्राई कर रहे हैं। तो भाई लेके आए झटपट खाने वाला। भाई अभी अंकल वीआईपी से बनाइए। वीआईपी सरसों। ओए आगे से बना, शॉर्ट्स बना आगे से। अचार दार डाले क्योंकि हमारे साथ औरतें आई हैं। औरतें नहीं आई है, बिहारी दो आए हैं। ये अचार बहुत खाते हैं। मैं नहीं खाता भाई। इंग्रेडिएंट्स बताओ। जैसे कि उसामा हमें झटपट खिलाने लाए हैं। उसामा और अजय, तो अभी हम झटपट ट्राई करेंगे कैसी है। पहली दफा है हमारा एक्सपीरियंस। अजय बायोमेडिकल के बाद यही काम स्टार्ट करेगा। औरंगी में वो लगाएगा झटपट की दुकान। इंजीनियर्स एंड झटपट। झटपट इंजीनियर्स। ये मेन चीज है। देखा आपने? देखा आपने किसने बोला कि अचार ज्यादा डाला? यही एक औरत है हमारे साथ, बहुत बड़ी। स्मेल की वजह से बोला। ये बहुत बड़ी औरत है। स्मेल की वजह से बोला। बस कर दो तुम। ये मिक्स हो रहा है। यही मिक्स होगा। सुनावा क्या है? इसी को कहते हैं। अभी मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता, वरना बोलता सारी ब्लॉग खराब कर देंगे आप। मैं आपको अनफॉलो कर दूंगा। आपने डिसलाइक दे देना, आप बर्बाद होंगे। इसलिए हमारा झटपट रेडी हो गया। अब ट्राई करते हैं हम। तो आपको अगर खाना है ये, तो इनके बाद आपका नाम? फहीम भाई। फहीम अशरफ। ये पहले टीचर से रगड़ पे ग्लास पकड़ के हम लोग घर से धोकर लाता अपना ग्लास। ये देख भाई, अंग्रेज उतना लजीज। यहाँ से तो सेटअप वाइंड अप हो गया। अब जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ट्रैफिक क्या? और बहुत मजा आया। जैसे कि आपने व्लॉग में देखा था पहले भी कि मैं टोपी सीधी पहना हुआ था, मगर मैं पहन के गया। रास्ते में घर से निकलते ही वो उड़ गई हवा से, क्योंकि हवा बहुत तेज थी। तो फिर आपने पूरी व्लॉग में देखा कि मैं नहीं पहना हुआ था, बाल खराब थे। तो अब यहाँ घर आके वापस पहन ली, क्योंकि आप लोगों से बाय बाय जो करना है। तो इसी के साथ यहाँ पे करता हूँ व्लॉग खत्म। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि मुझे पता चले, और मुझे बताएं कि मैं और कौन सी जगह विजिट करूं। तो इसी के साथ दें अपने भाई को इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।